अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आप ग्रीफ ड्रामा के बिहाइंड द सीन्स देख सकेंगे। ग्रीफ ड्रामा जो कि जियो टीवी पर ऑन एयर है। इस ड्रामा सीरियल में अदाकारा सनिया शमशाद, मोमना इकबाल और अली अब्बास मरकजी किरदार अदा कर रही हैं। इस ड्रामा सीरियल में अदाकारा मोमना इकबाल को नेगेटिव रोल में दिखाया गया है। एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाली एक नौजवान लड़की हैं, लेकिन वो एक लग्जरियस लाइफस्टाइल गुजारने के ख्वाब देखती हैं। दूसरी तरफ अदाकारा सनिया शमशाद जो कि अनिशा और अदाकार अली अब्बास जो कि मुराद का किरदार अदा कर रहे हैं, वो दोनों एक आरामदा और खुशगवार ज़िंदगी गुजारते हैं। इन तीन अदाकारों के अलावा भी ड्रामा की कास्ट में काफ़ी टैलेंटेड एक्टर शामिल हैं, जिनमें माहम आमिर, सलीम मिराज, बाबर खान, नवीद रज़ा, शाइस्ता जबीन और अरसला सदीकी वगैरह शामिल हैं। अदाकारा सनिया शमशाद का इससे पहले ड्रामा सियानी था, जो काफ़ी ज़्यादा सुपरहिट हुआ। ड्रामा सीरियल सियानी अपनी रेटिंग की वजह से पाकिस्तान के टॉप ड्रामों में शामिल रहा। इनके अलावा अदाकारा मोमना इकबाल इस ड्रामा सीरियल के अलावा एआरवाई डिजिटल के ड्रामा सीरियल समझौता में भी काम कर रही हैं। मोमना इकबाल एक यंग और बासलाहियत अदाकारा हैं। सनिया शमशाद भी इस वक्त ड्रामा सीरियल मेरी है क्या खता और अली अब्बास जियो टीवी के ड्रामा सीरियल कलंदर में काम कर रही हैं। ये तीनों ही काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हैं। सनिया शमशाद पाकिस्तान की एक बासलाहियत अदाकारा हैं। इनका शुमार इस वक्त पाकिस्तान की वर्सटाइल एक्ट्रेसेस में होता है। इन्होंने बहुत कम टाइम में काफ़ी ज़्यादा शोहरत हासिल की। इनके अलावा अदाकार अली अब्बास जो कि इस ड्रामा सीरियल में मुराद का किरदार अदा कर रहे हैं, वो भी पाकिस्तान के एक यंग और टैलेंटेड एक्टर हैं। वो पाकिस्तान के सीनियर अदाकार वसीम अब्बास और सबा हमीद के बेटे हैं। इनके साथ साथ अदाकारा मोमना इकबाल भी पाकिस्तान की एक वर्सटाइल अदाकारा हैं, जिन्होंने बहुत कम टाइम में काफ़ी ज़्यादा फेम हासिल की। इनकी एक्टिंग और इनकी मसूमियत को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको ये ड्रामा सीरियल कैसा लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।